हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 जुलाई। यस, हो चुकी है, मतलब 12 बजने वाले हैं। तो 30 जुलाई होने वाली है और 30 जुलाई को मेरे हस्बैंड का आता है बर्थडे और मैं ये कैंडल जला रही हूँ रूम में। और मैंने उनके बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोग को कि मैंने रूम को कैसे डेकोरेट किया है और उनके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया है। सो गाइज, आप देख सकते हैं रूम की डेकोरेशन कुछ इस तरीके से लग रही है। आप ही अंदर आइए। और रात के 12 बज चुके हैं और इस तरीके से ये इस तरीके से आप देख सकते हैं हर किसी की फ़ोटो के पीछे मैसेजेस लिखे हुए हैं। ये भाभी ने उल्टा चिपका दिया है, ये इस तरीके से है और पीछे मैसेजेस हैं, सबकी फ़ोटो लटकी हुई है और मैसेजेस हैं। बैलून से मैंने डेकोरेशन करी हुई है। वो केक नीचे आप देख सकते हैं केक है, कैंडल्स लगाई हुई है मैंने, एंड वो गिफ्ट उनके लिए बीच में रखा हुआ है मैंने। और हैप्पी बर्थडे का तो ऐसा दिख रहा है मेरा रूम। सो गाइज, अभी मेरे हस्बैंड रूम में आने वाले हैं और अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। क्या बहुत बढ़िया किया हुआ है। अच्छा, डेकोरेशन अच्छा सही है। सिर्फ डेकोरेशन पे ही ध्यान गया। ओहो, अच्छा, ये मेरा गिफ्ट है। हाँ, गिफ्ट है, सिर्फ इसी पे ध्यान गया। और भी चीजें हैं जिस पे ध्यान देने वाली है। जो तुम हो ना, ना और देखो और अच्छे से, और सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, घूम घूम के देखो। ओ, ओ, ओ। अरे वाह, चॉकलेट केक, इट्स वेरी टेस्टी। भाभी, हैप्पी बर्थडे डियर रूममेट, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो, कैंडल्स। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। Daddy, all right. I've got the man, and here is Pooja. Hey guys, welcome back. तो कल की जो वीडियो है मैंने कंटिन्यू इसी में कर रही हूँ, ख़त्म नहीं करी थी। और आज हम कहीं घूमने आए हुए हैं, डाकोर आए हुए हैं हम लोग घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं पीछे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बट अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो पानी कितना गंदा है, बहुत ही डर्टी वाटर है, बहुत ही गंदा पानी हो रखा है। और अभी हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए हैं और आज है 30 जुलाई। यस, आज है 30 जुलाई। कल रात को हमने अपने मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज हम लोग घूमने निकले हुए हैं। और 2 दिन के लिए हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगी। वैसे आज हम दर्शन के लिए आए थे पहले तो यहाँ पे, और उसके बाद अब निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, और भगवान जी देख सकते हैं यहाँ के डाकोर के भगवान जी हैं। सो चलिए चलते हैं प्रसाद खाने, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। गाइस, सो हम रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं, एंड जो मैंने आप लोग को दिखाया था कि हम कहीं आए हैं, तो वहां पर हम लोगों ने राजभोग लिखवाया था, तो मेरी मदर इन लॉ ने, तो वहां पे हमने राजभोग कराया था। बट यू नो व्हाट, राजभोग की जो उन लोगों ने किया था, किसी भी खाने के ऊपर इन्होंने प्लेट्स नहीं रखी थी, तो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक खाना था, बहुत मक्खियाँ घूम रही थी,
तो उसके बाद हम लोगों ने ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रसाद चखा, बट मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं खाया कुछ भी, क्योंकि उनको हाइजीन का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब हम रिजॉर्ट में जब पहुँचे हैं तो अब खाना खाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को अपना रूम का टूर दिखाती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। So guys, you can see the view. Wow, amazing view from here and here. Greenery बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मस्त एकदम। There is the highway. और सामने farm दिख रहा है। And हम जा रहे हैं अपने room में। गाइस, सो हम लंच करने के बाद, बहुत टाइम लगा लंच करने में हम लोग को, और लंच करने के बाद हम आ चुके हैं अपने रूम में। जो मैंने इससे पहले आपको रूम दिखाया वो मेरे इन लॉस का रूम था। हम सब, आप लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग पूरे फैमिली आए हुए हैं घूमने के लिए, और हम आए हैं नड़ियाल। नड़ियाल में ये रिजॉर्ट है बुलेवार्ड 9 करके, वहाँ पर हम 2 दिन के वेकेशन में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारा ये रूम है, और हमारे रूम से ये हाईवे वाला व्यू दिखता है। और मैं आपको रूम भी दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा बेड, और सबका रूम बेसिकली सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। और ये टीवी है वहाँ पर, देख सकते हैं हम स्टडी टेबल टाइप पड़े हुए हैं, मिरर एंड मिरा। दिस इज़ द वॉशरूम। ये है हमारा रूम, और अब हम थोड़ी देर तक रेस्ट करने वाले हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। रात को भी काफ़ी लेट हो गया था सोने में, एंड देन उसके बाद सुबह उठ के निकलना था, तो इसलिए कोई आया है। तो चलो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और देखती हूँ कौन आया बाहर। हे गाइस, आई एम बैक। तो अब हम लोग डिनर विनर सब कर चुके हैं, और रात के इस टाइम बज रहे हैं 9। बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि एज़ यू गाइज नो कि हम कल रात को लेट सोए थे, और आज जल्दी उठना था क्योंकि ट्रैवल करना था, और ट्रैवलिंग में भी काफ़ी थक चुके हैं सबके सब। सो आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और सेकेंड डे का जो व्लॉग है वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, उस पर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ कि मैं सैड हूँ आज थोड़ा सा किसी वजह से, और क्यों सैड हूँ वो कल की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। सो कल की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा आप, ताकि आप लोग जान सको कि आज मैं क्यों सैड हूँ, जबकि इतनी हैप्पी वाला डे है। मैं हैप्पी भी बहुत हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड कब बोलते हैं, और किसी चीज़ से सैड हूँ वो कल ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो अभी मैं करती हूँ आप लोगों को अलविदा, गुड नाइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।